चलिए, स्ट्रीम रुक गई थी, अब रुक गई थी, अब जो लोग हैं एक बार फिर से जुड़ जाइए। हम लोग फिर से स्टार्ट कर रही हूं मैं जोगी मेरा कोई, जो चीज हमने फटाफट देखी एक बार, है ना। तो जो लोग जुड़ गए हैं जुड़ जाइए, जब तक मैं एक बार फिर से स्टार्ट यही कर देती हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले हमने देखा है लोकेशन, जोगी मेरा की गुफाएं हम लोग पढ़ रहे हैं, तो इसका लोकेशन किधर है, ठीक। तो ये चलिए, लुक रुक गई थी थोड़ी सी क्लास, एक बार फिर से स्टार्ट हो गई है, थोड़ी सी इश्यू हो जाता है, कोई बात नहीं। और अभी मैं क्योंकि फिर से वीडियो स्टार्ट कर रही हूं, तो एक बार फिर से स्टार्ट गई बोल देती हूँ, जो जो हम लोग पढ़ चुके हैं एक बार और देख लें आप लोग। तो लोकेशन, हम जो जोगीमारा की गुफाएं पढ़ रहे हैं, जोगीमारा की गुफाएं, उसको प्री मौर्य पीरियड के टेक्स्ट में भी कितने बुक्स में होता है, एक मिनट में इसकी लिंक टेलीग्राम पे डाल दूं, है ना। चलिए, तो सरगुजा की प्राचीन रियासत मध्य प्रदेश की ही जो है उसमें स्थित है ये, जो वर्तमान छत्तीसगढ़ है। अब ये इसलिए बोलते हैं क्योंकि बाइफर्केशन हो गया है, 2000 पे डिवीजन हो गया है मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ का, इसलिए आज जो वर्तमान छत्तीसगढ़ है वहां पे जोगीमारा की गुफाएं स्थित है। एक बार जो भी देख रहे हैं वीडियो को लाइक कर दो, ठीक है। अमरनाथ जो जगह है जहां पे नर्मदा का उद्गम स्थल है, वहां पे रामगढ़ पहाड़ियों में स्थित है ये। और रामगढ़ पहाड़ी, तो आपको इसमें क्या चीज याद रखनी है, एक सरगुजा की रियासत याद रखनी है, वर्तमान जो मध्य प्रदेश है स्टेट याद रखना है, प्लस यहाँ पे रामगढ़ की पहाड़ी याद रखनी है। अब इसमें तो याद ही रखना पड़ेगा, देखो इसमें कुछ समझा नहीं सकते, ठीक। अब ये जो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है, जो अभी आपको मैंने एक बार फिर से पढ़ा दिया है, जो बाद में लेट आए उनके लिए ठीक है, कि सीता बोंगड़ा और सीता लांगड़ा, अब उसी एरिया में दो गुफाएं पास पास है, एक गुफा तो है जोगीमारा की और दूसरी गुफा को सीता बोंगड़ा सीता लांगड़ा गुफा के नाम से जाना जाता है। तो क्वेश्चन ये बन जाता है कि सीता बोंगड़ा सीता लांगड़ा के नाम से अगर आपको क्वेश्चन आएगा तो आप बोलोगे तो सिलेबस में नहीं है, सिलेबस नहीं, ये जोगीमारा के साथ इंक्लूड रहती है, ठीक है। तो ये क्या थी, तो ये प्राचीन नाट्यशाला थी, थिएटर था ये माना जाता है, ठीक। अब आगे जाते हैं कि ये क्या था, तो ये इसके यहाँ के जो मिली हुई पेंटिंग्स हैं, वहां पे जो चित्रित पेंटिंग्स हैं, उससे पता चलता है कि ये एक देवदासी का स्थान था, यहाँ पर वरुण देवता का मंदिर की देवदासी थी वो, उससे उसके कॉन्टेक्स्ट से माना जाता है। पहले माना जाता था कि देवदासी का स्थान है, लेकिन फिर कुछ जो भी रिसर्च हुआ एज पर रिसर्च ये भी माना गया कि ये वरुण देवता का मंदिर होगा, और उन्हीं की देवदासी सूतनुका थी बड़ी फेमस, और उसी के उस पे ये इनकी कंटेंट जो पेंटिंग्स मिली है वो माना जाता है, ठीक। टाइम है, तो टाइम का आपको मैं बता चुकी हूँ, डॉक्टर ब्लैक ने इसको 3rd सेंचुरी ईसा पूर्व 200 ईसा पूर्व का माना गया है, यूनानी बताया है। मार्शल ने इसको 1000 और पुराने का बताया है, 1000 ईसा पूर्व का और पहले का बताया है। ये ब्लैक का ये भी आ सकता है कि इनने इसको मौर्य पीरियड का बताया है, ठीक है। फिर विंसेंट स्मिथ की बात करें तो इनने थोड़ा सा वर्तमान का बताया है, 1st सेंचुरी ईसा पूर्व का बताया है। और एक चीज जो पूछेंगे कि कौन से विद्वान ने जोगीमारा को जैन धर्म से संबंधित बताया है, तो वो रायकृष्ण दास हैं। तो ये आप ये एक बहुत अच्छे से आप ये वाला पॉइंट को भी याद रख सकते हो। हमने साइज भी देख लिया, 10 फीट लॉन्ग है, 6 फीट चौड़ी है और 6 फीट ऊंची। अब 6 फीट की बात यही करेंगे कि क्यों, क्योंकि छत पे चित्र बने हैं, छत पे चित्र बने हैं तो इसलिए इजिली कोई भी व्यक्ति उसको हाथ लगा के छू सकता था, और इसलिए चित्र नष्ट भी हो गए। अभी हम आगे देखेंगे तो हमको चित्र नहीं मिलेंगे, हमें सिर्फ इमेजिन करना है, ठीक है, मिलते ही नहीं है क्योंकि, तो ये चीजें, इसलिए आप 6 फीट ऊंचाई को याद रखिएगा। इसकी कॉपीज जो है, मैंने आपको बताया कि पुनरुत्थान काल के टाइम था, तो भाई कॉपीज बनाने के लिए इंस्पायर किया गया था सबको अजंता बाग, तो उसी तरह जोगीमारा की भी कॉपीज बनी है 1914 में। किसने बनाई है, असित कुमार हल्दार और श्रीमेंद्रनाथ गुप्त ने। ये दो महान कलाकार जो कि बंगाल स्कूल से कनेक्टेड थे, बंगाल स्कूल के स्टूडेंट्स थे, अवनिंद्रनाथ टैगोर के स्टूडेंट्स थे, इन्होंने 1914 में जोगीमारा की कॉपीज हमारे सामने लेके आए थे, ठीक। अब इसी कॉपीज के अनुसार जो है 7 खंडों में पेंटिंग डिवाइड है, उसको खंड वाइज खंड आपको बुक में कंटेंट्स मिलता है, तो वो देखो इस तरह के ऐसे इस तरह के चित्र मिले जो कि क्लियर नहीं है, लेकिन क्योंकि ये लोग बोलेंगे कि जानकार व्यक्ति गए, कलाकार गए, तो उन लोगों ने उसको सब्जेक्ट से कनेक्ट करके और इसे इस तरह से हमारे सामने लेके आए। कैसे लाए हैं कि पुरुष आकृति, एक बड़े पेड़ पे के नीचे पुरुष की आकृति बैठी है, इधर 4 पुरुष आकृति है, सॉरी पुरुष वृक्ष के नीचे बैठे हैं, बाई और नर्तकी, और
संगीतज्ञ हैं, और दूसरी तरफ से हाथी का एक जुलूस का दृश्य आ रहा है, लहरदार पानी भी वंजित है यहाँ पे, आप देखोगे अगर थोड़ा सा समझ आ जाए तो इस तरह का ऐसा पानी जैसा भी कुछ दिखा है उनको, और अलंकारिक रेखाओं में नदी और मचीनुमा विशाल आकृतियां है, है ना, एक बड़ी फिगर है, रिवर है, मशीन है, उसमें इस तरह की चीज आपको ऐसे दिखी, मचीनुमा उसको बोर्ड भी कह सकते। तो ये एक पहला कंटेंट था जिसका सिर्फ एक ही विषय है, आप ये बोलूंगी कि आम जनजीवन को, ग्रामीण दृश्य को बहुत अच्छे तरीके से उन्होंने आपके सामने लाया है। उसके बाद की जो एक चीज को जोगी महाराज को बिल्कुल अलग से यही समझ सकते हो कि उसके बाद धार्मिक आंदोलन चालू होंगे, धार्मिक चीजें चालू होगी जो आपको गुफाओं में दिखेगी, चाहे अजंता हो, एलोरा हो, एलिफेंटा हो, सितन वसल हो, सब में ये तीन धर्म आपको मिलेंगे, बुद्धिस्ट, ब्राह्मण और जैनिस्ट, अलग अलग, ठीक। लेकिन यहाँ पे ऐसा है कि यहाँ पे किसी ने मान लिया है, जोड़ दिया है, वो बात अलग है, लेकिन अगर एक आम इंसान देखे तो वो अपने आप को इस गुफाओं में पाएगा, है ना, ऐसा लाइफ स्टाइल को। सेकेंड दृश्य देखते हैं तो वृक्ष के नीचे चार आकृतियां विश्राम कर रही हैं, आप पूरा इमेजिन कर सकते हो एक वृक्ष के, और जो चार आकृतियां हैं, जो चार आकृतियां हैं उनको ऐसे पोस्चर में दिखाया गया है, बैठे हुए पोस्चर अलग दिख रहे हो, ऐसे पोस्चर में दिखा रखा है कि वो आराम कर रहे हैं, ठीक। पेड़ पतझड़ युक्त है, बहुत अच्छे से ध्यान रखना, पेड़ जो है पतझड़ युक्त है, मतलब कि सिर्फ टहनियां दिख रही है और पत्तियां सिर्फ दो चार कहीं पे है, पतझड़ टाइप का, और वो पत्तियों का कलर कौन सा है, तो रेड कलर है। रेड कलर को अभी अपन आगे कलर एप्लीकेशन में देखेंगे कि यहाँ कलर एप्लीकेशन का, इसमें जो कि मेरा में कलर का एप्लीकेशन का क्या महत्व है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, इसलिए बता रही हूँ, ठीक। तो ये हो गया आपका दूसरा दृश्य। तीसरा दृश्य है बाग का दृश्य, मतलब बागीचे का दृश्य, जिसको आप गार्डन का दृश्य बोलेंगे, ऐसा लगता है, क्यों, क्योंकि उसमें आपको ऐसा लग रहा होगा कि पेड़ वाली चीजें ज्यादा है। सफेद पृष्ठभूमि पे काली रेखाओं द्वारा बाग का दृश्य, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि जोगीमरा में बैकग्राउंड कौन से कलर का है, क्वेश्चन आता है, तो ये व्हाइट कलर का है, इसको अब देखो, मेरे पास फोटोज अवेलेबल नहीं हो पाई है तो बता तो नहीं पाऊंगी सबके जैसे, क्योंकि अभी ये पुराने वाले टाइमलाइन है तो थोड़ा ऐसे ही चलेगा, लेकिन जैसे हम नए की ओर आएंगे बहुत पूरी पिक्चर से स्टडी करेंगे उसकी, ठीक। तो सफेद पृष्ठभूमि पे काली रेखाओं से बाघ का दृश्य बना हुआ है, प्लस कुमुदनी जिसको लिली बोलते हैं, लिली का रेड फ्लावर, रेड कलर, व्हाइट कलर और ब्लैक कलर, ये तीन मोस्ट यूज हुए, कहीं कहीं येलो कलर का भी वो दिखा है यहाँ पे, ये चीजों को याद रखना, ठीक। तो कुमुदनी का फूल है और उसी फूल पे युगल, मतलब दो कपल, एक कपल नृत्य की मुद्रा में दिखा है, ठीक है। ऊपर भी देखें आपको नृत्य वादन, और यहाँ पे भी हमको ये चीज मिली है, तो आप फूल को याद रख सकते हैं, आप कलर को याद रखिए, और युगल नृत्य के नाम से इसको याद रखिए, ये थर्ड हो गया। फोर्थ तो वेरी इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पे इस समय हम जो सांची, देखो अब इस चीज को जोड़ो, क्वेश्चन कभी आ जाए कि जोगी मेरा में क्या सांची बरहूत का प्रभाव दिखता है, क्या दिखता है कि वो चीज इंटरकनेक्टेड है, तो बिल्कुल दिखता है, क्योंकि हमने जब देखा कि सांची के स्तूप में भी हम जब अभी देखेंगे तो बौनी आकृतियां मिली है ना, तो वही बौनी आकृतियां यहाँ भी पेंटिंग्स में भी देखने को मिली है, बौनी आकृतियां प्लस उसके सिर पे चोच, तो ये इंपॉर्टेंट बन जाता है कि किस गुफा में ऐसे आकृति बनी जिनके सिर पे चोच है, तो याद रखिएगा जोगी मरा। और माना जाता है उस समय, पहले समय माना जाता था कि जो ये बौने व्यक्ति है ना, वो राजा लोग रखते थे अपने दरबारों में हास्य विलाप के लिए, हंसने, मतलब जैसे समझते हैं आप लोग एंटरटेनमेंट, कॉमेडियन, एज एन कॉमेडियन, तो एज एन कॉमेडियन, इसलिए शायद ये पेंटिंग में भी इनको स्थान मिला, और ये हमें उस समय की जो तत्कालीन कंटेम्प्ररी जो लाइफस्टाइल थी उससे अपने आप को बता रहा है, ठीक। तो इतना ध्यान रखिएगा, चोच वाली, मतलब सिर अजीब से, उसमें चोच, सिर पे चोच और बोने व्यक्ति, ठीक। फिर नृत्यमग्न जो आपको वो दिखी, वो भी नृत्यमग्न स्त्री, डांसिंग वुमेन, एक स्त्री डांस कर रही है, चारों ओर गायन वादन बैठे हैं, ठीक है, चारों ओर गायक वादक बैठे हैं, एक पूरी महफिल टाइप की चीज आप समझ लो। एक व्यक्ति जो खड़े हैं वो न्यूड टाइप में बना गया है, नग्न है, और तीन क्लोथ्ड है, ठीक, और तीन घोड़े वाली गाड़ी और एक घर है। तो अब आप इस चीज को समझो कि शायद ये एक आम महफिल भी हो सकती है, प्लस ये एक राजसी महफिल भी हो सकती है, क्योंकि यहाँ पे रथ भी है और घर भी है, और आपको दिख रहा है कि वो डांसिंग चल रहा है, इनका गाना बजाना ये सब चल रहा है, ठीक। तो ये आपका ये वाला सीन हो गया। सिक्स्थ सीन है ये, रथ जैसा कुछ मिला है,
है ना, वैसे ही सेवन सीन ये भी यूनानी रथ जैसा भी मिला, इसलिए उनने उसको ग्रीक प्रभाव बताया। ठीक, ये आखिरी के हैं, बहुत नष्टे हैं, तो इसके बारे में कितनी बुक में तो लिखा हुआ भी नहीं है, थोड़ा मुझे पता चला तो वो बता दिया आपको। ठीक, तो आखिरी वाले भाग को दो भाग में भी बांटा गया है, इसलिए कितनों ने क्या किया है कि आठ खंड में पेंटिंग्स है, वैसे सात है। ठीक है ना, ग्रीक रथ जैसे, ग्रीकों ग्रीक यूनान के जो रथ हैं उसके जैसे भवन दिखे हैं। अब पर्सी ब्राउन के अनुसार, पर्सी ब्राउन ने बताया कि इन पेंटिंग्स पे डिजाइन्स भी मिली है आपको, आलेखन भी मिला है और बाउंड्रीज भी मिली है जिसमें मछली मकर जीव ये सब है। ठीक, इतनी तो हो गई, अब हम बात करते हैं इसकी विशेषता। खत्म, जोगी मेरा की गुफा आपकी खत्म, बीच में डिस्कनेक्ट भी हो गया फिर भी इतने उसमें खत्म, कुछ नहीं बनेगा इसके अलावा, अगर कुछ हो तो मेरे को बता दो कि यार इस क्वेश्चन का आंसर बताओ। ठीक, तो छत पर चित्र बने हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स बहुत इंपॉर्टेंट, 10 बार बोल दिया आपको मैंने, बोनी आकृतियां बनी है, सांची भरूत से मिलती, पहले ही बता दिया कि ये चीजें क्योंकि सांची भरूत में मिलते हैं आपको। व्हाइट बैकग्राउंड, रेड लाइंस, येलो मार्जिन, मतलब जो हाशिया है वो येलो का मिलेगा, कहीं कहीं मिलेगा तो ये मिलेगा, प्लस बैकग्राउंड व्हाइट है और लाल कलर की रेखांकन है, ऐसा कहा गया है। लेकिन आज अगर आप जाओगे ना तो वर्तमान में क्या है, सफेद पृष्ठभूमि पर लाल रंग से जो बना है और उस पर काली रेखांकन है। अब इससे एक बहुत अच्छी कनेक्शन ये आता है कि उस समय तो आउटलाइन, इसलिए क्वेश्चन जब आएगा कि जोगी मेरा में आउटलाइन कौन से कलर से, तो आप लिखेंगे रेड और वो सही भी होगा। ठीक, क्योंकि ये जो महान विद्वान है जो गए थे प्रतिनिधि ने, उनने ये चीज बताई, लेकिन आज जाओगे तो बोलोगे इसमें तो काली रेखा है, आपने तो लाल बताया था, तो वो क्यों है सुनो, सफेद बैकग्राउंड पे जब लाल रेखांकन से पेंटिंग किया होगा वो नष्ट होने लग गया, फिर जब हम दूसरी तीसरी परतें चढ़ी तो वो काली रेखांकन उस पर कर दी होगी, इसलिए क्या दिख रहा है कि अंदर भरा हुआ कलर लाल है और रेखांकन काली है, तो थोड़ा सा सोचो उसको तभी वो ऐसा लग रहा है। ठीक, तो वर्तमान ऐसा है, लेकिन अगर क्वेश्चन आएगा कि आउटलाइन किस कलर की है तो रेड याद रखना, क्योंकि सब किताबों में भी लिखा हुआ है और उस समय रेडी होगी, वो सोच लो कि रेडी होगी, ऊपर से काला उनने चार पांच परतें लगा दी। सफेद खड़िया, हिरौंजी, लाल, हरा, व्हाइट, ये सारे कलर्स यहाँ पे मिलते हैं, नेचुरल कलर्स है जो आपको बताया है। धरातल सपाट नहीं है, मतलब फ्लैट नहीं है, खुरदुरा है, डिस्टर्ब्ड है उसका, जोगी मेरा का। ठीक, तो ये थी जोगी मेरा केव्स की। अपन जो अगला पढ़ने वाले हैं वो शुंग पीरियड ना लेते हुए मैं सिर्फ सांची लूंगी, सांची के स्तूप लेंगे अपन, क्योंकि मैं शुंग के लिए सोच रही थी पर उसमें सांची बहुत बड़ा जा रहा था, तो सांची को बहुत बढ़िया तरीके से डिस्कस करेंगे अगली क्लास में। अब जो है आप लोग के थोड़ा सा अपन मॉक कर लेते हैं, रुक जाओ, है ना, ये जो है इस पे तो कुछ डाउट नहीं होगा, आप जोगी मेरा से और क्या क्वेश्चन बनेगा, ये जो पॉइंट्स बताएं आप उसको ध्यान रखेंगे तो कोई ज्यादा दिक्कत आएगी नहीं इसमें। चलिए अब अपन लोग क्वेश्चन शुरू करते हैं, आप लोग जो भी इतने लोग हैं एक्टिव हो जाना भैया कमेंट में, मुझे थोड़ा सा देखते हैं। तो सबसे पहले बताइए पाटलिपुत्र के बारे में अपन ने बात की थी, पाटलिपुत्र इसका वर्तमान नाम क्या है, जल्दी कमेंट में बताइए। पाटलिपुत्र अपन इतने सारे जो कि बता देती हूँ, राजधानी थी मौर्य पीरियड की, उसका वर्तमान नाम क्या है, जल्दी बताइए कमेंट करके फटाफट, तो अपन फिर, और जो लोग भी हैं एक बार वीडियो को लाइक कर दो प्लीज। जल्दी से बताइए नहीं तो मुझे खत्म करना पड़ेगा इसको, थोड़ा सा नेटवर्क भी इश्यू जा रहा है शायद। पाटलिपुत्र का वर्तमान नाम, मैं जोगी मरा के चित्रों को कर्मबंध पूछते हैं क्या, समझ नहीं पा रही क्वेश्चन क्या पूछना चाह रहे हैं हम। ओके, तो पाटलिपुत्र का वर्तमान नाम पटना है, बिहार, और इसको आपको जोड़ना है तो आप यही याद रखिए। कैसे याद रखोगे कि मौर्य पीरियड का मोस्टली, जो मौर्य पीरियड का सेंटर राजधानी पाटलिपुत्र है और मोस्टली उसका जो भी मूर्तियां हैं वो कहाँ पे मिली थी हमको, पटना म्यूजियम में, जो जो मैंने बताई थी वो, जैसे दीदारगंज को याद रख लो, मौर्य से दीदारगंज गक्षी याद रखो और पटना, तो वो पटना में है, तो ऐसे आप पटना और उस पाटलिपुत्र को याद रख सकते हैं। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। मेगस्थनीज, मेगस्थनीज
जो कि चंद्रगुप्त मौर्य के, चंद्रगुप्त मौर्य के शासन में राजदूत था, कौन से राज्य का था, मतलब कौन से देश का था, उसका देश बताओ, राजदूत था कौन से देश का था, मेगस्थनीस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है, मेगस्थनीस कौन से देश के राजदूत थे। ठीक है, आने लग गए आंसर, यूनानी ग्रीक राजदूत थे। ठीक है, अशोक कालीन जो कला थी या मौर्य पीरियड की कला थी, या मौर्य पीरियड की कला कितने भाग में डिवाइड थी बताइए, कितने भाग में, कितने तरह की थी, है मैंने आपको बताया था, कितने भाग में डिवाइड थी अशोक कालीन कला, या उस समय की जो कला वो कितने भाग में डिवाइड थी। ठीक है, दो भाग में, एक राजाश्रित कला और एक कॉमन उसपे कला, है ना, क्या बोलेंगे उसको, फोक आर्ट, लोक कला। ठीक, दीदारगंज यक्षी प्रेजेंट में कहां पे स्थित है, कहां स्थित है, हाँ राजकला लोक कला, वेरी गुड। दीदारगंज की यक्षी जो कि हमें, है ना, जो मौर्य पीरियड में मिलती है, वो प्रेजेंट में किस जगह पे स्थित है। नहीं, प्रेजेंट में किस जगह, कौन से म्यूजियम, पूरा लिखो भैया, वो तो अभी मैंने बता दिया, तो वही सीधे आ गए कि हाँ पटना में है, सही है, पटना म्यूजियम। ओके, ठीक ब्रॉन्ज जिसको कहते हैं कांस्य, किन दो मेटल का एलॉय है, एलॉय है मिश्र धातु, ब्रॉन्ज जिसको कहते हैं कास्य, किन दो मेटल का एलॉय है। ठीक है, कॉपर एंड टिन का। बराबर हिल्स में कितनी गुफाएं हैं, बराबर और नागार्जुन जो हिल्स है उसमें बराबर में कितनी गुफाएं हैं, जल्दी बताइए। चार गुफाएं, ओके गुड। इंडिका बुक है, किसने लिखी है, राइटर, इंडिका के राइटर बताइए। इंडिका किसके द्वारा लिखी गई है वो बताइए। मेगस्थनीस, ठीक है, मेगस्थनीस ने लिखी है, मोहनजोदाड़ो से प्राप्त, मोहनजोदाड़ो से प्राप्त योगी की मूर्ति। वर्तमान में कहाँ है, घूम गए बेटा, बोले थे है ना, पुराना जाएगा तो सिंधु घाटी तक भी जाएंगे, वर्तमान में कहाँ है, मोहनजोदाड़ो से प्राप्त योगी की मूर्ति वर्तमान में कहाँ है, जल्दी बताइए।
उल्टे उल्टे नाम दे रहे हैं दिल्ली और वो, ठीक है हाँ, नेशनल म्यूजियम कराची, राष्ट्रीय संग्रहालय कराची में। गोपी का गुफा किसके द्वारा बनाई गई है, किसके द्वारा बनाई गई है, गोपी का गुफा किसके द्वारा बनाई गई है। गोपी का गुफा जो कि नागार्जुन की पहाड़ियों पे है, वो किसके द्वारा बनाई गई है। अशोक के पौत्र दशरथ द्वारा, ठीक है, अशोक के पौत्र। अब क्या लेंगे, अशोक कालीन स्तंभ, कालीन स्तंभ या सारनाथ का स्तंभ ले लो, किस मटेरियल से बना गया है। मटेरियल बिल्कुल, सैंडस्टोन से बना गया है और पॉलिश सैंडस्टोन से बना गया है, ठीक। उड़ते हुए स्तंभ, स्तंभ नहीं, क्या बोलते हैं उसको, हंस। उड़ते हुए हंस, ये कौन से पिलर के अबेकस में, चौकी पे दिखते हैं उड़ते हुए हंस। जल्दी, कौन से पिलर की चौकी पे दिखते हैं उड़ते हुए हंस, जिसको फ्लाइंग स्वांस भी बोलते हैं। जल्दी बताइए, उड़ते हुए हंस कौन से पिलर के चौकी में दिखते हैं। लौरिया, नंदनगढ़। अब ये बताओ, होशंगाबाद गुफा चित्रण की खोज किसने की, आदमगढ़ की पहाड़ियों की खोज किस विद्वान ने की। ईयर मैं बता देती हूँ, ठीक है, 1932 में। नाम आप बता दो, मैं भी तो याद करूँ थोड़ा बहुत। होशंगाबाद की गुफाओं की चित्रण की खोज किसने करी, सपना जी का सबसे पहले आया है नाम, आंसर मनोरंजन घोष द्वारा, ठीक है। और क्या देंगे, सोचे मोरे में ही जाते हैं थोड़ा सा। धर्मराजी का स्तूप जो कहाँ है, तक्षशिला में, उसकी खोज किसने की। धर्मराजी का स्तूप जो तक्षशिला में है, उसकी खोज किसने करी। ओके, सर जॉन मार्शल ने, मैथिली जी ने और सपना जी ने साथ में बोला है, पहले मैथिली जी का दिख रहा है, सर जॉन मार्शल ने। डौली एक स्थान है, वहां से एलिफेंट का की मूर्ति बनी हुई है, ये भी पता है, ये कौन से स्टेट में है। डौली जो स्थान है वो कौन से स्टेट में है। आरजू जी ने बताया है सबसे पहले ओडिशा में है, ठीक है, गुड।
कौशंबी इलाहाबाद में स्तंभ उसका शीर्ष क्या है? शीर्ष क्या है उसका? कैपिटल कौन से एनिमल का है? जल्दी बताइए, दो तीन क्वेश्चन और लेंगे फिर खत्म। कौशाम्बी इलाहाबाद में उसका शीर्ष बताइए, कौन सा एनिमल है उसके कैपिटल में? लायन। सपना जी ने दिया है आंसर, गुड सपना जी, लायन। ठीक है, अगला सारनाथ का ही जो पिलर है उसका एबेकस किस शेप में है? उसका शेप बताओ। उसका एबेकस कौन से शेप में है ये बताओ। एक और सारनाथ के पिलर का क्वेश्चन आता है, बताती हूँ मैं। सारनाथ के अबेकस का, पहले तो सारनाथ का पिलर के अबेकस का शेप बताओ। दूसरा, वहां पे जो चार एनिमल्स हैं उसमें ईस्ट साइड में कौन सा एलिफेंट है? ईस्ट में, ईस्ट साइड में कौन सा एनिमल है? चार एलिमेंट बता एलिफेंट वो बताए थे आपको, लायन बुल एलिफेंट और हॉर्स, सिंह बैल हाथी और घोड़ा। तो ईस्ट साइड में कौन सा है? राउंड बताया है किसने, सबसे पहले बताया है आरती जी, बहुत सारे आ गए। राउंड सपना जी ने सबसे पहले बताया है, अब ये बताओ। हाँ आरजू जी, वेरी गुड, एलिफेंट। ठीक है, एलिफेंट जो है वो ईस्टर्न साइड में है। अच्छा, मोहनजोदाड़ो में जो सील मिली है, हाँ हाथी, चलिए गुड, सील मिली है पशुपति की, वो किस मटेरियल से है? बताइए, पशुपति सील। जी बिल्कुल, स्टीयरटाइट से है। स्टीयरटाइट जिसको कहते हैं सोप स्टोन भी कहेंगे आपको, वो सेल खेड़ी भी बोलोगे। ठीक, सबसे प्राचीन औजार टूल जो कि मिला था कहां से? पोलावरम से, ये पूछा था मैंने, कौन सा टूल मिला था? वो टूल का नाम बताओ, रॉबर्ट ब्रूसफुट ने जो फाइंड किया था, कौन सा टूल था? लास्ट क्वेश्चन है, चलो एक क्वेश्चन और देते हैं, लास्ट एक और लेंगे, बताइए जल्दी। एक्स, हैंड एक्स हिंदी में बोलेंगे, हथौड़ी नहीं फावड़ी बोलते हैं उसको, हैंड एक्स को। ठीक है, लिपिका जी ने बताया सबसे पहले, हैंड एक्स, गुड। अब आखिरी क्वेश्चन, रुम्बिनी देई एक जगह है, ठीक है, रुम्बिनी देई एक जगह है, वहां पे एक पिलर है, उसका शीर्ष कौन से एनिमल का है? एनिमल बताओ। हॉर्स, आरजू जी ने बताया है हॉर्स। ठीक है, एक और, किस काल का ये, किस टाइम का वृषभ नहीं हॉर्स, घड़ी घोड़ा है? ठीक है, किस काल का की ये मतलब क्वालिटी है या परिचय है
कि वहां के स्कल्पचर्स बहुत शाइनी, चिकने, ओपदार पॉलिश किए हुए हैं। किस टाइम पीरियड के? आखिरी क्वेश्चन है, सब आंसर देंगे इसका, मुझे पता है। नेहा जी ने सबसे पहले दिया है मौर्य पीरियड। ठीक है, तो ये था आखिरी आपका। अब हम लोग जो है सांची स्तूप पढ़ेंगे अगला, जब भी होगा क्लास, कल तो नहीं है, देखते हैं, बता दूंगी आपको। ठीक है, तो जो भाई नए हो, मैं अभी बोल रही हूँ, आप लोग टेलीग्राम पे कनेक्ट ले लेना, ये टेलीग्राम दिख रहा है, या इंस्टाग्राम पे कनेक्ट रहो, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा भाई आज क्लास रहेगी। ठीक है, तो अब मैं एंड कर लेती हूँ। किसी और को कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में बोल देना, या आप टेलीग्राम पे मैसेज कर देना, जो भी है ना, देख लेती हूँ। ठीक, तो लगे रहो भैया, पढ़ते रहो। थैंक यू सो मच, बाय बाय, ऑल द बेस्ट।